हमारे दो पिता होते हैं, एक हमारे शरीर का पिता, एक हमारी आत्मा का पिता। शरीर के पिता ने अपना 5 कमरे का एक छोटा सा मिट्टी का मकान इस परमात्मा के घर में बनाया है, और ये पूरा घर परमात्मा का है। ये परमात्मा अपनी आत्मा का पिता है, उसका घर है, ये पराया नहीं है परमात्मा। न परमात्मा पराया, न उसका बनाया घर पराया, क्योंकि उसी के घर में तो अपना घर बना रखा है। ये घर पराया कैसे? ये परमात्मा के घर में ही तो घर है हमारे पिताजी का। तो हमारे पिताजी ये जो टेम्परेरी हैं 100 बरस के, और वो जो परमानेंट पिता है, वो दोनों ही अपने पिता हैं। बस फर्क इतना है कि ये टेम्परेरी हैं, 100 साल के हैं, और वो परमानेंट है, वो महान है। हर पिता बच्चों की भलाई चाहता है, ये धरती का पिता भी चाहता है, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताता है, उनके लिए त्याग करता है, उनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए मार्गदर्शन देता है। और वो पिता जो हमारी आत्मा का है, वो भी मार्गदर्शन देता है। तो इसमें यही बताया गया है, बालक का कहना है कि आई एम ए मटेरियल बींग, तो मुझे भौतिक ज्ञान दीजिए उच्च कोटि का। मैं आई एम ए ह्यूमन बींग, तो मुझे इस मानव समाज के प्रति मेरे क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनका बोध कराइए, उनका ज्ञान कराइए, क्योंकि मैं मानव समाज में आई वॉन्ट टू बिकम ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेम्बर ऑफ दिस सोसाइटी। मैं ऐसा मेम्बर ऑफ सोसाइटी बनूँ, मेम्बर परिवार बनूँ, मैं गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड बनाइए, मुझे ईश्वर का उपहार बना दीजिए पूरी मानव जाति के। मुझे प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति का गौरव बना दीजिए, और पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इस धरती की रोशनी बनाइएगा, ऐसी शिक्षा मुझे दीजिए। मेटीरियल, ह्यूमन एंड डिवाइन, तीनों का संतुलित ज्ञान एक बालक चाहता है, तीनों होने चाहिए। हर बालक की इस बात में मांग है कि मुझे इसका ज्ञान कराइए। वन डे आई विल यूनाइट द वर्ल्ड, एक दिन दुनिया एक करूँगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा, विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊंगा।